दोस्तों अगर आप एक साइबर कैफे वाले हैं तो आपको 100-10% आपको पासपोर्ट साइज बनाना ही पड़ता होगा। लेकिन दोस्तों यदि आप थोड़ा स्पीड में पासपोर्ट साइज फोटो बनाना चाहते हैं, जो कि बस थोड़ा मेहनत करना है और पासपोर्ट साइज फोटो बन करके तैयार हो जाएगा। किस प्रकार से आपको बनाने हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बारीकी से देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये जो फोटो देख पा रहे हैं, इस फोटो का सबसे पहले आप पासपोर्ट साइज फोटो बनाने जाते हैं तो सबसे पहले पिक्चर का बैकग्राउंड है ये आपको चेंज करना होता है, जो कि कोई सिंगल कलर में आपको बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो जिसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको कोई एक ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है remove.bg/upload। कुछ इस प्रकार से आप टाइप करेंगे और एंटर लगाएंगे तो आपके सामने जो है रिमूव बैकग्राउंड का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। बस यहां पे आपको पिक्चर ला करके छोड़ देना है और ये जो है बैकग्राउंड खुद ब खुद चेंज कर देगा। किस प्रकार से करना है जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पिक्चर है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला रहे हैं क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पे ला करके इसे छोड़ देंगे। छोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड चेंज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे आपको बस 2-4 सेकंड आपको वेट करनी है और ये देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, डाउनलोड जो दिख रहा है इस पर नॉर्मली आपको क्लिक करा लेना है। क्लिक कराते हैं, इसका डेस्टिनेशन कहाँ पे आपको रखना है वो लोकेशन सेलेक्ट करके और सेव करा लेंगे। सेव कराने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो फोटो आपने यानी कि जो फोटो का बैकग्राउंड आपने चेंज किया है या फिर रिमूव किया है वो फोटो पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में लाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब हम इस पिक्चर को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है कि जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो 3x4 सेंटीमीटर होता है। तो क्रोप टूल यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डालेंगे 3 सेंटीमीटर और हाइट में लगाएंगे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। और रेजुलेशन आप लोगों को मालूम ही होगा, जब भी आप फ़ोटो बनाते हैं तो 300 रेजुलेशन बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ना तो ज़्यादा हाई क्वालिटी और ना ही ज़्यादा लो क्वालिटी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस प्रकार से सिलेक्शन करते हुए और एंटर बटन को हिट कराएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम सिलेक्शन कर चुके हैं, अब एंटर लगाएंगे तो 3x4 का पिक्चर क्रॉप हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं लेयर 1 दिख रहा है। नॉर्मली यहाँ पे आपको क्लिक करके लेयर पे क्लिक कराते हुए एक नया लेयर ले लेना है। अब दोस्तों ये ऑप्शन अगर आप में ओपन नहीं है तो विंडोज़ में आकर के यहाँ पर देख पा रहे हैं लेयर पर क्लिक है, यदि यहाँ से डिसलेक्ट करेंगे तो ये हट जाएगा, लेकिन हमें लेयर ऑप्शन को लाना ही है। तो लेयर पे क्लिक कराते हैं और ये आ चुका है। इसका शॉर्टकट की है F7 बटन, जैसे ही F7 लगाएंगे तो हाइड और शो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम न्यू लेयर पे क्लिक करा करके एक नया लेयर ले लेते हैं और इस लेयर में ब्लू कलर डालेंगे जो कि बैकग्राउंड का कलर होगा। और नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे कलर है इस पर क्लिक करके ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कराते हैं और पेंट वर्क के टूल को क्लिक कराते हुए यहाँ पर क्लिक करा देना है। क्लिक कराने के बाद दोस्तों ये जो नीचे वाला लेयर है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ला करके छोड़ देंगे और ये देखिए बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात आया पिक्चर को थोड़ा अच्छा क्वालिटी में दिखाना, तो जिसके लिए मैक्सिमाइज के बटन पे क्लिक करा करके और कंट्रोल स्पेस को दबाए रखेंगे और चेहरे को माउस से इस प्रकार से सिलेक्शन बना करके जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद गौर से आप पिक्चर में देखें तो इस साइड थोड़ा हाईलाइट है और इस साइड थोड़ा ब्लैक नज़र आ रहा है। तो इस साइड हाईलाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है और ओपेसिटी को 20 रखते हुए और फॉलो को 40% रखते हुए अल्ट के साथ उस स्थान पे क्लिक कराएंगे जहाँ पे थोड़ा कलर हाईलाइट है। जैसा कि यहाँ पे कलर थोड़ा हाईलाइट नज़र आ रहा है तो अल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इस प्रकार से चलाएँगे तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाइट कलर में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है ब्रश टूल के मदद से किसी एक स्थान का कलर पिक करके और मल्टीपल स्थानों पे क्लिक कराते हुए और इस प्रकार से लाइट थोड़ा और इंक्रीज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से बारीकी से कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं एक जो है दाग नज़र आ रहा है ये नाक के ऊपर, तो हम क्या करेंगे इसे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है पेस्ट टूल राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट टूल नज़र आएगा, पेस्ट टूल सेलेक्ट करके और इसे हम सिलेक्शन कर लेंगे इस प्रकार से और बीच से पकड़ के उठा करके किसी एक स्थान पर जा करके रख देंगे तो यहाँ का कलर यहाँ पर आ जाएगा और वो दाग हट जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे भी देख पा रहे हैं एक दाग थोड़ा छोटा सा नज़र आ रहा है, इसे भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं और ये गायब हो गया। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप पिक्चर को थोड़ा अच्छी क्वालिटी में बना सकते हैं थोड़ा स्पीड में। वैसे दोस्तों अभी जो बना रहे हैं थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, यदि आप 2-3 बार करेंगे तो यहाँ पर जो है लगभग 3-4 मिनट के अंदर आप जो है पिक्चर बना करके तैयार कर लेंगे। पेज टूल के मदद से भी दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ज़्यादा हाईलाइट कलर है तो हम इस स्थान को सेलेक्ट कर लेते हैं और पीछे जा कर के रख देंगे तो यहाँ का कलर यहाँ पे आ जाएगा,
ताकि हाईलाइट कलर डिक्रीज हो जाएगा। फिर वापस से ब्रश टूल लेकर के और अल्ट के साथ यहाँ का कलर उठा करके यहाँ पे चला देंगे, तो इस प्रकार से कलर जो है ना मर्ज हो जाएगा। अब कंट्रोल एम के मदद से थोड़ा इसका लाइट बढ़ा देंगे और ये देखिए पासपोर्ट साइज फोटो बन करके तैयार हो गया। कंट्रोल ई लगाएंगे तो ये दोनों पिक्चर एक ही लेयर में मर्ज हो जाएगा। और कंट्रोल एन से 4x6 का पेज यहाँ पे ले लेंगे, 4x6 और ओके कराएंगे। और इस पेज में हम इस फोटो को मूव टूल के मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखेंगे और यहाँ पे अल्ट शिफ्ट दबा करके इस प्रकार से खींचेंगे तो इसके अंदर से मल्टीपल फोटो निकलेगा। अब हम कंट्रोल ई दबाएंगे तो तीनों एक ही लेयर में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कंट्रोल ई दबा दिए तो इस लेयर में आ गया। फिर से कंट्रोल ई लगाते हैं तो लेयर वन में तीनों पिक्चर आ गया। अब अल्ट शिफ्ट दबा करके फिर से हम खींचेंगे तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल यहाँ पे 6 पिक्चर आ चुका है। फिर हम अल्ट शिफ्ट दबा करके खींचेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल 9 पिक्चर आ गया है। तो कुछ इस प्रकार से जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस था, बस एक बार आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे।